देख लिया, ये खाद के लिए लड़ाई हो रही है, ये मारा मारी खाद के लिए हो रही है। ये देखिए, ये देखिए, देखिए बुजुर्ग लेके आ रहे हैं खाद। खाद मिला भैया? खाद मिला आपको? आज मिला सर। यहाँ पर हम मौजूद हैं राया रोड पर, जहाँ पर खाद डीएपी खाद के लिए काफ़ी मारामारी किसानों के बीच में मची हुई है। आप अगर देखें तो आपको सीधा दिख रहा होगा क्रमोको किसान सेवा केंद्र, यहाँ पर खाद नहीं मिला है। सरकार बार बार ये कह रही है कि खाद की डीएपी की प्रदेश में कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या जमीनी स्तर पर सरकार को कुछ पता है खाद है या नहीं है? सिर्फ बयानबाजी करने पर ही माहिर हो गए एक सरकार और सरकार के नुमाइंदे। स्थिति इतनी विकराल है कि जहाँ डीएपी खाद का आलू की बुवाई भी शुरू हो गई है, डीएपी खाद में चाहिए ऊँट के मुंह में जीरे के समान डीएपी खाद मिल रहा है। आवश्यकता है 12 कट्टों की, मिल रहा है 2 कट्टा है। ऐसे में मारामारी मतना किसानों के बीच में स्वाभाविक है। अगर उसमें भी मात्रा में अगर मिल भी नहीं रही है, मिल रही है वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर स्थिति काफ़ी विकराल है। पुलिसकर्मी काफ़ी लगे हुए हैं, मेरे साथ दादा भी मौजूद हैं। दादा से पूछेंगे, क्या नाम है दादा? चोब सिंह पहलवान। कहाँ से रहने हैं? धानोटी। धानोटी, क्या कर मिल रहा है डीएपी? बिल्कुल नहीं मिल रहा, बहुत परेशान है। 8 दिन से लगातार आ रहे हैं और रोजाना लाइन में लगते हैं और ढक्के खा रहे हैं और चले जाते हैं। और हम तो चलो पुरुष हैं, लेकिन महिलाएं कितनी दयनीय स्थिति है, हमारी महिलाएं भी लग रही हैं। 2 कट्टे मिलते हैं, 5 कट्टे मिलते हैं, लेकिन आइए देखिए एक किसानों की वेदना है और दिखाएंगे पूरी को, दिखाएंगे भैया से और कहेंगे देखिए मारामारी इतनी है यहाँ पर कि अगर बात की जाए तो यहाँ सुबह से ही महिलाएं अपने उसमें लगी हुई हैं। और ये देख लीजिए यहाँ पर, देखिए ये स्थिति है। आधी आबादी की घर के चूल्हे चौका बासन उनको छोड़ के, बच्चों की देखभाल छीन के यहाँ पर लाइन में लगी हुई हैं। किसके लिए लगी हुई हैं? खाद के लिए लगी हुई हैं। पूछ लेते हैं उनसे और पूछेंगे इनसे क्या है स्थिति। आधी आबादी की बात है, पूरा अपना घर परिवार बच्चों को छोड़कर यहाँ पर लाइन में लगी हुई हैं। इनकी वेदना भी साफ समझी जा सकती है कि आखिर सरकार कहती है डीएपी की कोई कमी नहीं है, लेकिन स्थिति देख लीजिए हर जिले से आपको कहीं ना कहीं से वो मिल रही होगी, लेकिन डीएपी है नहीं है। यहाँ पर ये आपस में अलग बात है, पूछ लेते हैं इनसे, पूरा क्लाइंट है। इधर आइए जरा, देख तो पूछ लेते हैं। ताई कहाँ से आई हैं आप? कुरावली से आई। क्या कुरावली से कितने दिन से? 4 दिन, 3-4 दिन आएंगे। क्या मिल रहा है? ना मिलो खातो भाई। क्यों नहीं मिल रहा है? दे ही ना रे। है नहीं है? ना दे रे। 5 दिन आएगा भैया, लाने में लगे लगे पर खाते ना मिल लो बिल्कुल। लग रहे लाइन में भाई, ना मैं आ भैया तीन बजे के प्यास से यही डरे 3 बजे के लग रहे लाइन में लग रो एक और ते खाते ना मिलो ना भाई। हां खाली से खाना सा भाई अपन मेला पत्ता बाने डरे भैया, सवेरे 4 बजे भूखे प्यास से डरे। ये बताइए सरकार ये कह रही है डीएपी की कोई कमी नहीं है, जब डीएपी की कमी नहीं है तो आप लोगों को डीएपी मिल रहा है या नहीं? डीएपी है क्या? अगर ये निकम्मी और नालायक सरकार है, अगर डीएपी होता किसान विरोधी, सुनो तो, अगर डीएपी होता तो इसकी बटने की व्यवस्था 10 जगह कर दी, क्यों किसान इकट्ठा होगा? जय कह रही है जब डीएपी की कमी नहीं है तो डीएपी जा कहां रही है? सुबह 3 बजे आते हैं और शाम को 3 बजे तक रहते हैं, फिर भी कुछ मिल नहीं पाता। डीएपी भेजे एक दवाई बटन और किसान की भीड़ में जावे। ये पूरी स्थिति है, सरकार को समझना होगा, जिम्मेदारी है घर चलाने की, लेकिन किसानों के लिए यहाँ पर मारामारी खुद मच रही है। और भी हैं उनसे ही पूछेंगे। ये देखिए बुजुर्ग लेके आ रहे हैं खाद। खाद मिला भैया? ये विडम्बना है इनकी और ये खाद भी नहीं है, आप खुद देख सकते हैं। ये विकराल समस्या है। ये देखिए, ये खाद के लिए मारामारी मच रही है, ये स्थिति है, ये आपको खुद देख रही होगी। जो नहीं, जिनके कंधों पर घर चलाने की जिम्मेदारी है वो यहाँ पर खाद के लिए बैठे हुए हैं। ये विडम्बना है इस देश की, इस प्रदेश की और इस सरकार की, जो वादे तो तमाम करती है लेकिन जमीनी स्तर पर वादे बिल्कुल नहीं है। क्या मजबूरी बनी है इन लोगों की जो घर बार छोड़ के यहाँ पर खाद के लिए लाइन में लगी हुई है? जी बैठे ही भूखे प्यासे सवेरे थे, 4 बजे के लग रहे हैं। कितना दिन से लगे हुए हैं? 3 दिन आए गए। मिला है नहीं मिला? नहीं मिला। आपको मिला? नहीं मिला भैया, मैं तो पिट के आदमी कल चले आया खुद पिटे। ये है हालत, ये हालत है, ये पूरे खुद बता रहे हैं। जी क्या कह रही हैं? दो दिन रात चाय ना पी दे, मैं ना मिला बिल्कुल। 2 दिन तक खा दे रही है? नहीं मिला। देखिए रो रही हैं, ये प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आखिर चाह क्या रहे हैं? क्या पूरी तरीके से सत्ता से बाहर जाना चाहते हैं या लोगों की किसानों की सुनवाएंगे? देखिए आंसू आ रहे हैं इनके, इसमें ये है किसानों की वेदना।
धक्का खाए कुछ नहीं हमें मिलो हमें तीन सौ तिरासी हमें ना मिलो कुछ नहीं हमें ना मिलो हमें कभी कुछ नहीं आज कुछ नहीं हमें हमें ना मिलो ये है वेदना आप देख लीजिए किसानों की वेदना जिनके कंधों पर इसकी जिम्मेदारी है घर चलाने की वो यहाँ पर खाद के लिए लगे हुए हैं और ये देखिए ये क्या हो रहा है लड़ाई ये लड़ाई आप देख लीजिए ये खाद के लिए लड़ाई हो रही है ये मारामारी खाद के लिए हो रही है ये देखिए किसान आपस में ही ये मारा अगर सरकार ये कह रही है खाद है तो फिर ये लड़ाई क्यों हो रही है फिर ये लड़ाई क्यों हो रही है अगर खाद है तो ये बात नहीं मर नहीं गई चार बजे शाम होगी चार बजे से कितने दिन से आप परेशान हो रहे हैं सरकार ये कह रही है कि प्रदेश में प्रदेश सरकार ये कह रही है मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं प्रदेश में डीएपी की कमी नहीं है क्या वास्तव में कमी नहीं है कमी ना तो सरकार खाद भी ना दे रही तो कहां से मिलो सरकार तो ये कह रही है बहुत मात्रा में खाद है मीरपुर एक किलो खाली हमारी भैया सरकार गई है वो गई सरकार बेच खाई गई सब खाता बीजेपी बेच गई ब्लैक कर रही है ब्लैक सरकार ये कह रही है खाद की किल्लत नहीं है फिर अरे खाद की इतनी किल्लत है कि आप सरकार को दिख नहीं रहा है कि किस तरीके से लाने लग रही है ढक्के खा रही लाठी चार्ज हो रही है किसानों पे आप कह रहे हो खाद की दिक्कत नहीं है खाद की बहुत बड़ी दिक्कत है सरकार और सरकार में रहने वाले जितने भी नुमाइंदे हैं सरकार की जितनी वो करते हैं कि सरकार हमारी बढ़िया है सरकार किसानों की आय दोगुनी कर रही है सरकार किसानों को सम्मान निधि दे रही है 2000 रुपये दे रही है ये कर रही है 2000 रुपये किस काम का यहाँ खाद है ये खाद है ये देखिए क्या करें ये है 2000 रुपये सम्मान निधि मिल रही है लेकिन किस बात की सम्मान निधि मिल रही है धक्के खाने की या पुलिस कर्मियों के लाठी खाने की ये देखिए यहाँ पर ये अब इनसे भी बढ़ने के लिए तैयार हो गए ये इनसे भी बढ़ने के लिए तैयार हो गए किसान है और ये देख लीजिए ये देखिए ये हालत हो गई है किसानों की वेदना भी देखे समझा रहे हैं ये देखिए भैया से बाजो हमें 30 किलो को भैया सरकार ना ना सरकार कह रही है कमी नहीं है फिर बहुत कमी है कमी क्यों नहीं है 3 दिन हो गए एक दिन कोई कुछ मिला ही नहीं है हमें कब तक किसान लाइन में लगा रहे झूठ बोलती है सरकार झूठ बोल जो इस समय डीएपी की सादाबाद विधानसभा में ज़्यादा किल्लत चल रही है क्या है समाजवादी पार्टी में जनता कह रही है कि नहीं थी और इस समय काफ़ी किल्लत है इस समय हमारे यहाँ का पूरे देश का किसान वो हमारी सादा विधानसभा का किसान तो इतना परेशान है आलू की बुवाई चल रही है पूरे जनपद में हमारे हाथस जनपद में सादाबाद विधानसभा क्षेत्र में त्रह मची हुई है किसान इतना परेशान है कि बहुत इस बेईमान बीजेपी सरकार द्वारा ये फरमान जारी कर दिया गया कि 5 कट्टे से ज़्यादा किसी किसान को नहीं मिलेगा अगर उस किसान पर 20 बीघे ज़मीन है और जो आलू बोता है तो उसे 20 कट्टे चाहिए 5 कट्टे में वो डीएपी थोड़ी भी देगा और 5 कट्टा भी उसे उपलब्ध नहीं हो पा रहा मान लो अगर वो 20 बीघे 5 बीघा खेत वो भी ले तो उसे डीएपी उपलब्ध नहीं हो रही किसी भी सेंटर पे डीएपी नहीं है और ना कहीं डीएपी दे रहे हम डीएम के पास भी जा करके मिले थे डीएम से हमने अनुरोध भी किया था ये क्या तमाशा बना रखा पूरे ज़िले को ये बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं और ये झूठ का जो इनका जो वो है तरीका ये इतना गंदा है कि जनता को गुमराह करने का काम करते हैं हम पूछना चाहते हैं जब आलू की फसल की समय निकल जाएगा तब आपने डीएपी दी तो उसका क्या फ़ायदा होगा किसान इस समय ब्लैक में डीएपी खरीद रहा है नकली डीएपी किसान को मिल रही है किसान लाइन में लगा हुआ है एक एक सेंटर पर 2000 किसान पड़ा हुआ है उसे डीएपी नहीं मिल रही एक कट्टा भी नहीं मिल रहा लोग रो रहे हैं कि हम किसान कैसे अपने खेतों को बोएंगे किसान इतना परेशान है खाद से परेशान बीज से परेशान आलू इतना मद्दा का किसान का आलू रोड पर फेंका जा रहा है किसान इतना इस समय बेसहाय हो गया है इतना दुखी है और ये बीजेपी के लोग कहते थे कि हम किसान की आय दुगनी करेंगे दुगनी तो बहुत दूर है उसके जो मुंह का निवारा था उसको भी बीजेपी के लोगों ने छीनने का काम किया किसानों की बीजेपी के मंत्री उनके लड़के बीजेपी के कार्यकर्ता किसानों की हत्याएं कर रहे हैं ये कितना हमारे यहाँ पर जबकि किसान एक देश का मसीहा है हमारे देश में 70% किसान रहता है और 30% व्यापारी और मजदूर रहता है जब आलू बोने जाता है किसान डीजल एक ऐसा मुद्दा है कि जो डीजल से सारे वाहन चलते हैं उसी के आधार पर खाने पीने की चीज़ों के रेट बढ़ गए हैं डीजल इतना महंगे होने के कारण हमारा किसान परेशान है बीजेपी के लोग पहले जब इनकी सरकार नहीं थी तो कहते थे डीजल महंगा हो गया पेट्रोल महंगा हो गया और खाद महंगा हो गया
अब हम बहुत अच्छे दिन लाएंगे। एक तरफ सरकार कह रही है कि डीएपी बाहर से मंगाया जा रहा है और किसानों की पूरी मांग की जा रही है, लेकिन देखा जा रहा है कि किसान ज़्यादा प्रभावित है, लेकिन कुछ ऐसा है भी नहीं। कुछ भी नहीं है, सिर्फ मीडिया को गुमराह करके, मीडिया के सामने झूठ बोल करके, अखबारों में बयान दे करके सिर्फ ये लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं प्रधान ने। जिस दिन हमारे देश का किसान खुशहाल होगा, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, हमारे नेता माननीय आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ये हमेशा कहते हैं, जिस दिन हमारे देश का किसान खुशहाल होगा उस दिन हमारे यहाँ का मजदूर खुशहाल होगा, नौजवान खुशहाल होगा और व्यापारी खुशहाल होगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये बीजेपी के लोग सब झूठ बोलते हैं। हमारे यहाँ का किसान त्राय त्राय कर रहा है, आलू की खेती बोई नहीं जा रही है और किसान बहुत परेशान।